अपना नाम मेरे नाम से जुड़ने के पश्चात भी मेरे प्रिय भक्त मौर्या जी कुछ और ही चाहते थे। आज महान संत महात्माओं की, मेरे परिवार और प्रियजनों की उपस्थिति में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शीघ्र बताइए गणेश जी, क्या कहा मौर्या जी ने? गणपति बप्पा का बुलावा आ गया है मुझे। वो चाहते हैं कि मैं सब कुछ त्याग कर उनसे एकाकार हो जाऊं, उनसे एकाकार हो जाऊं। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है संजीवन समाधि का, संजीवन समाधि का, संजीवन समाधि का। संजीवन समाधि प्रभु? हाँ, वो जीवित अवस्था में समाधिस्थ होकर मुझसे यानी अपने भगवान से एक हो जाना चाहते थे। फिर भक्त की इच्छा के विरुद्ध मैं कैसे जा सकता था? और उनका परिवार तो वैसे ही उनकी इच्छाओं के सामने नतमस्तक था। चिंचवाड़ में गणपति बप्पा पधार चुके हैं, मुझे प्रभु के दर्शन मिल गए, मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अब मुझे प्रभु से एकाकार होकर अपनी भक्ति के चरम पर पहुंचना है। किंतु ये तन उसमें बाधा है। अब तो बस एक ही उपाय है। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। इस प्रकार आज भी सजीवन समाधि से भक्त मौर्या अन्य भक्तों का उद्धार करते हैं। भक्त मौर्या ने सदा अपना विश्वास अडिग रखा, अनेकों उपहास सहे, किंतु भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। ये प्रमाणित कर दिया कि जिनको अपने आराध्य में अडिग विश्वास होता है, उन भक्तों की भक्ति अवश्य सफल होती है और स्वयं भगवान उनके पास आने को विवश हो जाते हैं। और पुष्पदंत जी, अपने हाथ देखिए। जिस प्रकार भक्ति और विश्वास के जागृत होने से आपके हाथ पूर्व समान हो गए हैं, उसी प्रकार भक्त कथाओं को सुनते रहने पर जैसे जैसे आपका प्रभु प्रेम और सुदृढ़ होगा, आप पूर्ण रूप से कुशल हो जाएंगे। स्वामी, अब तो आप मानते हैं ना कि ये परिस्थिति आपके लिए बदल सकती है? अब तो आप अपने वचन के अनुसार भक्तों की कथा सुनने यहाँ रुकेंगे ना? मुझे विश्वास नहीं होता, ये सत्य नहीं, कोई माया है। मुझे भ्रमित नहीं होना है। भ्रमित तो आप हो रहे हैं अपना वचन भंग करके। स्वामी तो प्रस्थान कर गए गणेश जी, अब हम क्या करेंगे? ये पिशाच योनि का सत्य है मौसी जया। इस योनि को जो भोगते हैं वो स्वयं अपने हाथों कुल्हाड़ी का वार अपने पांवों पर ही करते हैं, और यदि कोई उनकी सहायता करना चाहे, उन्हें उचित मार्ग दिखाए, तो वो उससे दूर भागते हैं, इसलिए सदा भटकते रहते हैं वो। तो क्या स्वामी भी सदा पिशाच योनि में ही रहेंगे? नहीं मौसी, आशा जीवित रखिए, भक्त मौर्या की कथा से प्रेरणा लीजिए। आशा और विश्वास से सब कुछ संभव है। हम मिलकर पुष्पदंत जी को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाएंगे।
आप अपने विश्वास पर अडिग रहिए जया मौसी, मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं उन्हें तब तक सभी भक्तों की कथाएं सुनाता रहूँगा जब तक कि वो पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होते, भक्ति की मर्यादा सीखकर स्वयं महान भक्त नहीं बन जाते। अब आप यहीं रुकिए, वो जहाँ भी गए हैं मैं वहाँ से उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। कहाँ गए होंगे पुष्पदंत जी? उस दिशा में जाना चाहिए मुझे। गणेश जी, इस बार ढूंढते रह जाएंगे किंतु पकड़ नहीं सकेंगे मुझे। भटकने के लिए, किंतु मेरा भी संकल्प है, ढूंढ कर तो मैं निकाल ही लूंगा। पिशाच स्वभाव तो ये है कि जो स्थान एक बार भा जाए उससे शीघ्र मुक्ति नहीं पाते हैं पिशाच। अवश्य पुष्पदंत जी यही हैं, इसी ग्राम में किसी दुर्बल पुरुष के तन में होंगे। ये लकड़हारा तो आवश्यकता से अधिक श्रम कर रहा है, कहीं इसके तन में तो नहीं है? प्रणाम महाराज। नहीं, ये तो सामान्य ही है, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। ये अवश्य बलशाली है, मुझे कहीं और ढूंढना होगा। गिर गया। कोई बात नहीं स्वामी, मैं समेट देती हूँ। लो ये देख लो, कैसा सत्यानाश हो रहा है यहाँ। अरे हम सब अपना कार्य सुचारू रूप से कर लेंगे, आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। मैं भी ठीक इसी तरह सदा दूसरों को आदेश देता रहता था। शीघ्रता करो। यह क्या हुआ, यह द्वार अपने आप कैसे बंद हो गया? द्वार खुला रहेगा तो टूट सकता है ना। मायका नहीं है तुम्हारा, वहां से द्वार नहीं लाइए तुम, ध्यान रखा करो। मुझे मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी, मैं आपसे ध्यान रखूंगी। भाभी, क्या ये छोटी भाभी कैसा नींबू काढ़ा बना दिया शीतल पेय के स्थान पे? देखो ना माँ, इनसे एक भी कार्य ठीक से होता ही नहीं है। लेकिन आपने ही तो कहा था ना कि शक्कर कम डालनी है। देखो ना माँ, एक हानि और कर दी इन्होंने, चूर चूर हो गया ये। हाँ भाभी, ये मुझे मेरे ससुराल लेकर जाना था। जब तक दो चार इसे पढ़े नहीं, ये कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाती है। हम जानते हैं इसका उपचार क्या है। चलो ये सब समेटो अभी।
के हमारे पाँव में गड़े। नहीं नहीं दीदी, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। इतना छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकती हो तुम? माँ जी, अब मैं कैसे चलूं? इतना सारा कार्य है, अब ये कौन करेगा? ये करेगी। चलो उठो, ये सफाई करो, वस्त्र धो, पात्र धो और शीघ्रता से बाकी के कार्य संपन्न करो। उसके बाद ही तुम्हें भोजन मिलेगा, समझी? कोई उत्तर क्यों नहीं देती? हाँ माँ, मैं समझ गई। अब जो बोलोगे मैं सब करूंगी। पीछे मुड़कर क्या देख रही हो? चलो घर के सारे कार्य संपन्न करो। ये वस्त्र भी धोने हैं। लगता है तुमको पाठ सिखाना ही पड़ेगा। पाठ तो तुम सीखोगी वृद्धा। मेरी माँ के साथ ऐसी उदंडता, ये क्या कर रही हो तुम छोटी बहू? तुम्हें ये शोभा नहीं देता। जिसका भी उपहास हुआ है उसी ने इतिहास रचा है। किसी कार्य में थोड़ी सी भूल चूक हो जाए तो मेरा परिहास करोगे, मुझे प्रताड़ित करते रहोगे। कहाँ जाकर छिपे हैं पुष्पदंत जी? अब और उल्लाना नहीं सुनूंगी दुष्टा, अब तुम्हारी दुष्टता का दंड मिलेगा। अब सताने का साहस है मुझे? तुम्हारा स्वभाव अचानक कैसे बदल गया छोटी भाभी? तुम तो बहुत शांत और सुशील थी। हाथी जंगल में सीधे खड़े वृक्ष को काट दिया जाता है और टेढ़े मेढ़े वृक्ष शांत खड़े रहते हैं। मेरे भी सीधे पन का बहुत लाभ उठाया ना तुम दिनों ने। सासु माँ है ये तुम्हारी, इनके साथ दुर्व्यवहार करोगी तो नरक में जाओगी। वहां से आया था वो स्वर। बहुत उपहास कर रहे थे मेरे राजा, अब और नहीं। अब से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। चलो सभी अपने कान पकड़ो और उठक बैठक शुरू करो। मेरे माता पिता का ऐसा अपमान! ये दोनों तुम्हारी ननद और जेठानी है और तुम मौन हो जाओ। अत्याचारी है ये सब, और जब मेरे साथ अत्याचार हो रहा था तब तुम्हारी जीवा कहाँ थी? चलो तुम भी इनका साथ दो,
दंड तो तुम्हें भी मिलना चाहिए ना। करो औरत। जैसी करनी वैसी भरनी, कन्या बहू हो या बेटी, अत्याचार तो अनुचित है ना। बस बहुत हो गया बहू, अब छोड़ दो। देखो लोग भी देख रहे हैं, कितना अपमान हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ है बहू, बताइए ना छोटी भाभी, इतना बड़ा बदलाव आप में कैसे आ गया? हाँ आश्चर्य, कुछ तो कहो कि हुआ क्या है। गणेश जी यहाँ भी पहुंच गए, मुझे पहचान भी लिया, तो मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। ज्ञानी महाराज कृपा कीजिए, इसके शरीर से पिशाच को निकालिए। मेरा उपहास करते थे, ज्यादा प्रताड़ित करते थे मुझे, छोटी सी भूल पे इतना कुछ कहते थे जैसे ये श्रेष्ठ हैं और मैं निम्न। क्षमा कर दो बेटी। भाभी हमसे भूल हो गई है, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, सदैव सम्मान होगा तुम्हारा। इन सभी ने इस बालिका के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसका दंड दे रहा हूं इन्हें। दुर्बल को सबल बना रहा हूं ताकि आने वाले किसी भी परिस्थिति में ये उचित उत्तर दे पाए इन सभी को। पुष्प दंत जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका ताड़ित करने का प्रयास करें, उसे ऐसा करने देना ही आपकी भूल है। स्वयं में विश्वास रखना अनिवार्य है, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। ना भूल होगी ना दूसरों के कहने पर आप कोई दोषपूर्ण आचरण करेंगे। पुष्पांत, द्वारपाल की मर्यादा का उल्लंघन कर तुमने हमारे वार्तालाप को सुना था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच बन जाओ, कि तुम पिशाच बन जाओ। दोष तो हुआ है मुझसे, बहुत बड़ा दोष। अब वचन देने का समय आप सबका है। अपनी बहू रानी को अपने घर की पुत्री बनाकर रखेंगे आप, उसे प्रेम देंगे, तभी मैं इस पिशाच को उनके भीतर से बाहर ला सकूंगा। उचित कहा ना पिशाच जी, तभी बाहर आएंगे ना आप। हाँ महाराज। हमें क्षमा कर दो छोटी बहू, आज के बाद सदा अच्छा व्यवहार करेंगे तुम्हारे साथ। हर हर महादेव। हमें क्या हुआ था माँ, हमें क्षमा कर दो बहू रानी, बहू भी तो बेटी ही होती है। अब यहाँ ना तुम्हें कोई प्रताड़ित करेगा और ना तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा। ईश्वर नहीं, व्यक्ति के कर्म उसके सुख और दुख का कारण बनते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।